जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। जी तो ये आज हम मैक्रो का चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है, बल्कि लास्ट चैप्टर है। उसके बाद फिर वो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो जो मैक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसीज हैं वो शुरू हो जाएंगी। जी तो इसमें हम इंशाल्लाह 3 टॉपिक स्टडी करेंगे। इसका नाम एक्सेलरेटर, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर है, लेकिन 3 टॉपिक स्टडी करेंगे। एक मल्टीप्लायर होगा, दूसरा एक्सेलरेटर होगा और तीसरा ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल। ये 3 टॉपिक हमने इस चैप्टर में इंशाल्लाह ताला कवर करने हैं। जी तो मल्टीप्लायर क्या चीज है, इसको पहले डिफाइन करते हैं। मल्टीप्लायर की जो जनरल डेफिनेशन है वो तो पहले दी हुई है कि मल्टीप्लायर इज द चेंज इन इवेंचुअल नेशनल इनकम ड्यू टू इनिशियल चेंज इन नेशनल इनकम। इवेंचुअल नेशनल इनकम जो अल्टीमेट नेशनल इनकम, रिजल्टेंट नेशनल इनकम कितनी चेंज आती है उसमें, ड्यू टू इनिशियल चेंज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के किसी एक कंपोनेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे टैक्स, जैसे एक्सपोर्ट्स, उनमें जब कोई इंक्रीमेंट की जाए तो नेशनल इनकम कितनी गुना मल्टीप्लाई होगी, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। जैसे नाम से जाहिर है जो इनिशियल इंक्रीमेंट होगी नेशनल इनकम में, सो इट विल जनरेट मैनी फोल्ड अल्टीमेट इनकम इन द इकोनॉमी, कई गुना ज्यादा वो इनकम जनरेट करेगी। अब कितनी जनरेट करेगी वो हमारे मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जी इनफैक्ट जितने किस्म के भी इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन होते हैं, ओपन इकोनॉमी में आपको पता है कौन कौन से इंजेक्शन है, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन होती है, टैक्सेस इंजेक्शन होते हैं, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्शन होते हैं, और ये एक्सपोर्ट्स इंजेक्शन होती है। तो जितने किस्म के इंजेक्शन होते हैं उतने ही किस्म के मल्टीप्लायर भी होते हैं, ठीक हो गया जी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लायर और जो केन्स का मल्टीप्लायर, जिसको इनफैक्ट केन्स ने सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट उसने दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देखते हैं कि जगह जगह पे उसका नाम है, चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस ही करवाने वाला वही था, तो सबसे पहले उसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का था। ये जो बाद में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, ये बाद के इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। जी अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या चीज है। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शोज हाउ मच नेशनल इनकम इंक्रीजेज विद द इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो वो कितने गुना ज्यादा इनकम जनरेट करेगी। सो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये इसका फार्मूला होगा। मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर को सिंबल जो है वो के से डिनोट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के आई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट चेंज करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो इट विल जनरेट मैनीफोल्ड इनकम इन द इकोनॉमी। कितनी इनकम जनरेट करेगी इसको हम डिस्कस करेंगे। ये मल्टीप्लायर जो है वो डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर। जी सो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, तो जितना मल्टीप्लायर होगा उतने टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लाई होके तो इनकम जनरेट करेगी। जी मल्टीप्लायर ऑफ एन ओपन इकोनॉमी, अब मल्टीप्लायर जो ओपन इकोनॉमी का होगा, अच्छा क्लोज्ड इकोनॉमी का मल्टीप्लायर जो है वो उसकी ये इक्वेशन ये भी है, लेकिन उसकी ये इक्वेशन भी है कि K इज इक्वल टू, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी है तो 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्लोज्ड इकोनॉमी का है। ओपन इकोनॉमी का मल्टीप्लायर जो है वो K इज इक्वल टू 1 ओवर MPS, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू टैक्स, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू इम्पोर्ट्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, ये फार्मूले जो हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बल्कि डिराइव भी करेंगे। जैसे ये फार्मूला कैसे आया है,
कैसे मैंने लिखा है, इसको बाकायदा डिराइव करेंगे जी। तो एक पहले तो स्केजुअल जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये एक एग्जांपल है जिससे हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो क्या है, नंबर वन हम चीज अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज की है। आप इसको 1000 बिलियन रुपीज कर लें, हम तो सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं। मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम 75%। आपको एमपीसी मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम का पता है, वो क्या चीज है कि चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, कि जब इनकम चेंज होगी तो इसका कितना प्रोपोर्शन कंजम्पशन में जाएगा, यानी कितने परसेंट जो है वो कंजम्पशन चेंज होगी। अगर 100 इनकम चेंज हुई है तो हमारी कंजम्पशन में चेंज जो है वो अज्यूम करते हैं कि 80% है, तो यानी 100 में से 80 हमने कंज्यूम किया, तो 180 चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम, ये आपका एमपीसी आ जाएगा 0.8। ये हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। चलें जी, अब हम आते हैं इंक्रीज इन इनकम। ये देखिए, इनिशियली एक 1000 की ये इनकम इंक्रीज हुई है। हुआ पता क्या है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसी ने 1000 की, गवर्नमेंट ने, आपने, मैंने, प्राइवेट सेक्टर ने 1000 की इन्वेस्टमेंट की है। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट, जैसे मोटरवे, जैसे कोई फ्लाईओवर, कोई अंडरपास, ठीक है, हमने 1000 की इन्वेस्टमेंट की है। अब वो 1000 जब इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें कई लोग शामिल होंगे ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ लोग जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग सीमेंट, बजरी, रेत प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कैपिटल मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, तो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे ना, उससे एक मोटरवे बन जाएगी। इनफैक्ट 1000 का ये आउटपुट में, इनकम में एडिशन हो जाएगा। ये आ गया जी राउंड नंबर वन। तो राउंड नंबर वन में 1000 का एडिशन हुआ। अब ये 1000 का जो मोटरवे या जो फ्लाईओवर बना, ये इनफैक्ट लोगों की इनकम में इजाफा हुआ ना, जिसकी वजह से उन्होंने ये आउटपुट प्रोड्यूस की। यानी इसमें से 1000 में से लेबर को इनकम दी गई, लेबर की इनकम बढ़ी, रॉ मटेरियल वालों की इनकम बढ़ी, कंसल्टेंसी वालों की, ओनर की, मशीनरी प्रोवाइड करने वालों की, सब की इनकम बढ़ी, लैंड प्रोवाइड करने वालों की भी इनकम बढ़ी, ठीक है। केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। एमपीसी हमारा 75% है, यानी इस एडिशनल इनकम 1000 का इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में 75% एमपीसी है। 75% यानी 750 रुपया लोग कंज्यूम करेंगे, बाकी कितना सेव करेंगे, 25% जो कि 250 बनता है, ये वो सेव कर लेंगे। अब ये जिन लोगों ने 750 रुपीज कंज्यूम किया है, उन्होंने गुड्स और सर्विसेज बाय की ना बाकी लोगों से, तो सेकंड राउंड में 750 जो इनके एक्सपेंडिचर हैं, वो नेक्स्ट राउंड में लोगों की इनकम हो जाएगी। तो सेकंड राउंड आ गया, ये उनकी इनकम होगी 750। एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। अब इन लोगों का सेकंड राउंड में भी एमपीसी 75% है, यानी ये इस 750 का 75% जो कि ये बनता है ये कंज्यूम करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द इनकम 25% जो कि 188 बनता है ये वो सेव कर लेंगे, ठीक हो गया जी। अब सेकंड राउंड में ये जो लोगों की कंजम्पशन है 562, इन्होंने जब कंजम्पशन की तो फर्दर आगे गुड्स और सर्विसेज परचेज की ना, तो थर्ड राउंड में अगले लोगों की ये बन जाएगी नेक्स्ट राउंड में इनकम। इसका अगेन 75% कंज्यूम किया जाएगा और रेस्ट ऑफ द इनकम सेव की जाएगी। ये कई राउंड चलते जाएंगे अनटिल के ये इनकम 1750, 560 गिरते गिरते जीरो ना हो जाए। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जो इनकम ये सारे राउंड जब हम टोटल करेंगे तो ये 4000 इनकम जनरेट होगी, जबकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1000, ठीक है।
और जो इसका 75% होगा वो कंजम्पशन होगी और 25% सेविंग होगी। अब इश्यू ये है कि मैंने ये टोटल, वैसे तो हमारे पास जो सीक्वेंस एंड सीरीज एफएसई में लोग करते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं, उधर ये बाकायदा एक वो फार्मूला भी होता है, जैसे ये 1000 तो प्लस ये 1000 और पावर इसकी जो है वो 75% तो 3/5, 3/4 इस तरह से करके। बहरहाल हमें उससे कोई गरज नहीं है इतनी, ठीक है। हम हमारे अपने पास एक फार्मूला है, हम उससे इसको डिराइव कर सकते हैं जी। तो वो फार्मूला जो है वो ये है, जिसको मैं अभी ये अपने पेन से लिख रहा हूं, के इज इक्वल टू 1/1 - marginal propensity टू कंज्यूम। ये वो फार्मूला है जिसमें वैल्यूज पुट करने से हमारा मल्टीप्लायर आता है। ये क्लोज्ड इकोनॉमी का फार्मूला है, और आपको पता है कि 1/1 - MPC जो है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू 1/1 marginal propensity टू सेव, क्योंकि जो 1 - MPC है वो MPS के बराबर होता है। अब हम आते हैं जरा इस फार्मूला को, कि ये फार्मूला आया कैसे है। कोई तुक्का नहीं लगाया, कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला तो है खैर तुक्का कोई नहीं है। इस फार्मूला को जरा हम डिराइव करते हैं। ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये इक्वेशन है। अब सॉरी, सी प्लस एस, और जो एस होती है, जो सेविंग होती है, वो इनफैक्ट कैपिटल मार्केट के बैंकों के जरिए इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, सर्कुलर फ्लो में वही इन्वेस्टमेंट बन जाती है। इस सारी इक्वेशन को जब हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी। सारी इक्वेशन को जब हम डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब अगर आप देखें कि ये क्या चीज है, ये इनफेक्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया इनका, ये आगे इनकी जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। अब अगर आप देखें कि इसकी जगह पे आप एमपीसी भी लिख सकते हैं, सो 1 = MPC + Δi/Δy। एमपीसी को इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आए तो 1 - MPC = Δi/Δy, ये इक्वेशन बन जाती है। हम पूरी इक्वेशन का जब इनवर्स लेते हैं तो फिर इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्टेप फर्दर मैं ऐड कर दूं, वैसे तो लोगों को समझ आ जाती है, बहरहाल चले, फिर भी कुछ लोगों का मैथमेटिक्स जरा अच्छा नहीं होता, मेरे जैसे भी तो होते हैं ना, तो उनके लिए मैं ये करने लगा हूं कि जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो यूं बन जाएगी, 1/1 - marginal propensity टू कंज्यूम इज इक्वल टू Δy/Δi, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये मल्टीप्लायर है। इनिशियली पहली स्लाइड में भी हमने ये देखा, ये मल्टीप्लायर है, के इज इक्वल टू Δy/Δi। हम इसकी जगह पे के लिख सकते हैं ना, तो वही के हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी एक स्टेप छोड़ के जरा लिख दिया, तो ये इक्वेशन यूं हो गई जी। अब देखें ये वही इक्वेशन है। अब 1 - MPC की जगह पे आप MPS भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लायर इज द इनवर्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब जरा देखें कि हमारा जो टेबल की जो एग्जांपल थी उसमें MPC कितना था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था 75%, ठीक है, यानी 0.75 ये MPC था। अब अगर आप इस इक्वेशन में ये MPC डालें, यानी मल्टीप्लायर ये के इज इक्वल टू 1/1 - MPC की जगह पे आप डाल दें 0.75, ये बन जाएगी ये 0.25, जो कि 4 के बराबर हुआ। इट मीन हमारा मल्टीप्लायर 4 है, जिसकी वजह से इसने 4 टाइम इनकम जनरेट की है। अब देखें मल्टीप्लायर का ये जो फार्मूला था, के इज इक्वल टू Δy/Δi, इसमें मल्टीप्लायर अगर 4 हो, कितनी इनकम जनरेट करेगा जब 1000 इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 4000 इनकम जनरेट होगी। तो ये वो फार्मूला है हमारे पास,
कोई तुक्का नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है ये। ठीक हो गया जी, चलें जी। अच्छा, ये क्लोज्ड इकोनॉमी का फार्मूला है जिसमें सिर्फ फार्म और हाउस होल्ड, इस इन इक्वेशन में आपको कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कोई टैक्सेस, कोई इंपोर्ट, कोई एक्सपोर्ट नजर नहीं आ रही, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक हो गया जी। जी, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी का फार्मूला। अब हम आते हैं जरा ओपन इकोनॉमी की तरफ। तो ओपन इकोनॉमी का फार्मूला इस तरह से होगा। ये तो है ना क्लोज्ड इकोनॉमी का, ये वाला, ये। अब ये ओपन इकोनॉमी का फार्मूला है। सो ये अगर मैं सिर्फ यहां तक देखूं, 1/MPS, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी उसमें चारों सेक्टर होते हैं। तो सेविंग, अगर सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी में एक साइड के ऊपर सेविंग होती है जो कि विड्रॉल होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट आ जाए तो उधर ही टैक्सेस भी होते हैं, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का के लिए। ये फिर अगर फॉरेन ट्रेडर आ जाए तो इंपोर्ट भी उधर ही होती है। आप देख रहे हैं कि ये तीनों ओपन इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में तीनों की तीनों विड्रॉल्स हैं। इसके अगेंस्ट इंजेक्शन भी होती हैं, ठीक है जी। इनफैक्ट ये उन इंजेक्शन से ही डिराइव किया गया है। इसको हम देखते हैं जरा, ये देखें, ये मल्टीप्लायर फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी, ये क्लोज्ड इकोनॉमी का है। ये K इज इक्वल टू 1/(1-MPC), 1-MPC इज इक्वल टू MPS, ये आ गया, हम लिख सकते हैं। अब जरा क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ आए। ये तो सिर्फ टू सेक्टर की इकोनॉमी थी, अब हम आते हैं थ्री सेक्टर की इकोनॉमी की तरफ। ये थ्री सेक्टर, अब इसमें ये 1/(1-MPC), ये तो क्लोज्ड इकोनॉमी का यही फार्मूला हो गया ना। और ये आप देखें कि इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में दूसरी इंजेक्शन कौन सी होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये 1-गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। अब जैसे 1-MPC की जगह पे आप MPS लिख लेते हैं, इसी तरह से 1-MPG इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, क्योंकि एक साइड पे जो इंजेक्शन है वो दूसरी साइड पे विड्रॉल होती है, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ सेक्टर की इकोनॉमी की तरफ आए, तो फोर्थ सेक्टर यहां तक तो वही है जो ऊपर है तीन सेक्टर का। अब चौथा सेक्टर जो है वो हमारा कौन सा होता है, फॉरेन ट्रेडर। अब एक्सपोर्ट जो है वो भी एक सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन है, तो 1-MPG, 1-MPX, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये एक्सपोर्ट्स मल्टीप्लायर के लिए होगा। और इसके अगेंस्ट दूसरी साइड के ऊपर आप 1/MPM, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो इनफैक्ट आप ये फार्मूला लिख लें, या ये और भी जगह जगह पे और दिया हुआ है, या आप ये लिख लें, एक ही बात है। जैसी वैल्यूज होंगी उनके हिसाब से आप पुट करके तो ये फार्मूले जो हैं इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी डायग्राम की तरफ। अब डायग्राम जो है वो, ये हमने डायग्राम ये पहले पढ़ी हुई है। अब आपको पता है कि सेविंग जो है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और वो वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड के ऊपर इंटरसेप्ट करती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये है जो कि एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जहां पे इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए डायग्राम है। जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर है, वहां पे आपको पता है कि वहां पे नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम होता है। अब ये नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम है, अब इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने चेंज कर दी है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी, ये एरो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो कितने गुना इनकम जनरेट करके ये कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये इतनी इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उससे इनकम जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है, ठीक हो गया जी। तो इनकम बहुत ज्यादा जनरेट हो रही है, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 4 टाइम इनकम जनरेट हो रही है। आप जितनी चाहे इनकम जनरेट कर सकते हैं,
ये डिपेंड करता है कि आपका एमपीसी कितना है, जितना एमपीसी होगा उस हिसाब से इनकम जनरेट होगी। अब ये डायग्राम के लिए आप कैसे करेंगे, आपने सिर्फ सेविंग का जो है वो स्लोप चेंज करना है। मसलन आप देखें कि अगर मल्टीप्लायर 2 है, इन्वेस्टमेंट में वही रखें तो मल्टीप्लायर अगर 2 हो तो डबल इनकम जनरेट करेगा ना, फिर आपका दूसरा इक्विलिब्रियम यानी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर E1 यहाँ पे होना चाहिए। इट मीन आपकी अब सेविंग ये होनी चाहिए, ये सेविंग होगा तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लायर 2 है तो उसने डबल इनकम जनरेट की है। तो सेविंग का आप देखें सिर्फ स्लोप स्टीपर हो गया, स्टीपर स्लोप हो जाएगा, मल्टीप्लायर का इसका मतलब है कि साइज कम होगा और वो कम इनकम जनरेट करेगा। जितना स्टीपर स्लोप होगा सेविंग का इतनी कम इनकम जनरेट करेगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा इतनी वो ज्यादा इनकम जनरेट करेगा। चलें जी ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी अजम्पशन लिमिटेशन वगैरह को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।